अरे अरे बहुत दूर से आया है जी, प्यार से खोलूं या जोर से खोलूं किसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम हमारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे जी। हम भी ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, और आप लोगों के लिए दुआ करते हैं जी, जहाँ भी रहें अल्लाह पाक के हिफ्ज़ो ईमान में रहें जी। आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करते हैं जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाना ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त मिल सके जी। शुक्रिया, थैंक यू जी। ये मछली दिखाना आप लोगों के लिए नहीं था जी, सिर्फ आप लोगों से बातें करनी, क्योंकि मछलियां तो मछली वगैरह जो जो भी आजकल खाई जा रही है मछली वाले की तो मौजें लगी हैं, क्योंकि इस ठंड के मौसम में सब मछली इंजॉय कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो मछली वाले की मौजें लगी हैं, उससे नीचे आ जाओ तो मूंगफली की मौजें लगी हैं, उससे नीचे आ लो अंडे वाले की। ये चीज़ें बिल्कुल आउट क्लास चल रही हैं जी, जिसे कहते हैं नंबर वन पे चल रही हैं जी। जो 300-400 किलो की रेट होता है तो 800 दे रहे हैं मछली, और अंडा देख लो जी, अंडा इतना महंगा हो गया ठंड में। हमारे तो इधर रहता है ना, जैसे माह रमज़ान आता है तो इतनी चीज़ें महंगी देते हैं, इतनी महंगी देते हैं मुसलमानों का अलग है महीना, और जैसे ये ठंड आ गई है ये सारे हर चीज़ से हर बात से मौका उठाते हैं जी, फ़ायदा उठाते हैं जिसे कहते हैं ना, आए हाय पता नहीं क्या क्या मुँह से निकला जा रहा है, फ़ायदा उठाते हैं जी, चीज़ें सस्ती करने की बजाय महंगी कर देते हैं जी। 40 रुपए का एक अंडा कहाँ 2-3 साल पहले जी 40 रुपए दर्जन 50 रुपए दर्जन मिल जाते थे, अब एक अंडा मिलता है जी, उफ अल्लाह क्या करें हम, हाँ क्या करें, सबको अल्लाह ताला खिला ही रहा है, ये अल्लाह ही है जो सबको खिलाता है जी। अल्लाह ताला कभी जितलाता भी नहीं, हर इंसान को शुरू से लेके एंड तक सब कुछ देता रहता है। तो हम इतने ना शुक्र हैं कि अल्लाह का शुक्र नहीं करते, अगर कोई बंदा हमारा कोई काम कर दे तो उनका शुक्रिया हम भाग के कर देते हैं जी, अल्लाह को राज़ी किया करें। तो बंदे को तो कोई भी राज़ी नहीं कर सकता, बंदे को तो इंसान को राज़ी करना बड़ा ही मुश्किल काम है, बड़ा ही औखा काम है, ये अल्लाह ही पता नहीं कर सकता कि नहीं, अल्लाह पे भी राज़ी होते हैं या नहीं होते। बार अल्लाह को अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए जी। आजकल में मैंने देखा जी, सोशल मीडिया का दौर है जी, सोशल मीडिया पे जो ना अक्सर जो फेमस लोग हैं ना, जिनके मिलियन में लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, लोग उनको देखता है जी, उनको लाइक करते हैं जी, उनको प्रमोट भी किया जाता है, और जो बेचारे छोटे यूज़र हैं उनको तो कोई देखता ही नहीं है जी। उनको हालांकि बड़ों का होता है जी, उनको छोटों को सपोर्ट करना, बड़े लोग वो होते हैं जैसे घर में एक बड़े होते हैं ना माँ बाप, तो छोटे बच्चों की गलतियाँ माफ़ करते हैं, बच्चों को बार बार समझाते हैं सिखाते हैं, ये बड़े यूज़र का ये काम होता है जी, छोटे यूज़र को सपोर्ट करना और उनको आगे साथ ले कर चलना। क्योंकि जो कोई भी इधर अपने अपनी जगह से तरीके से काम कर रहे हैं जी, सबकी कोई ना कोई मजबूरी है जी। अब इसको मैंने 3-4 घंटे के लिए जी रख देना है, इसको ढांप के जी। मैं साथ साथ आपको ये भी बता लूं, मछली के वही मिसालें हैं जो घर में मौजूद होते हैं, कुछ भी बाहर से नहीं मंगवाया जी, इसको रख देती हूँ जी। अब ये हो गए हैं शाम, 3-4 घंटे हो गए हैं जी, इसको फ्राई भी कर लेते हैं जी। तो आप लोगों को क्या पता कि औरतों की ज़िंदगी में बड़े झमेले होते हैं जी, गैस ख़त्म हो गई है, ओह हाथ जल गया मेरा, ओला अंधी थी इससे पकड़ना था ये, इस डोंगे को देख लो, इसकी भी क्या ज़िंदगी है जी, इस कोल्ले को जिसमें हम चाय बना रहे हैं इस बाउल में। ये गर्मियों के मौसम में तो फ्रिज में मौजें करता ठंडा होता, मैंने कहा चल तू ठंड ले ली अब थोड़ी गर्मी भी ले ले जी। अब इधर हम अंडे भी बॉयल कर रहे हैं जी, इधर थोड़ी सी हमारी गैस कम हो गई थी, मैंने लकड़ी वाला भी चूल्हा जलाया, दूसरा भी सिलेंडर उठाया, वो भी उठाया जी। ऊपर से आ गए मेहमान, तो बिल्कुल ये नहीं समझना कि आप लोग कुछ भी अच्छा बना रहे हो अपने लिए, ये रिजक अपना लिखवा के ले आते हैं, और आपके दस्तरखान से जो खाते हैं ये अल्लाह ताला ने उनके खाते में लिख दिया है जी, ये हमारा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह का ही कमाल है। जो कहते हैं ना अल्लाह की रज़ा के लिए मेहमान नमाजी दिल खोल के करनी चाहिए जी, हाँ जी अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं जी, बहुत खुश होते हैं अल्लाह ताला। और ये कितना बखेरा बिखरा पड़ा है जी, मेहमान वगैरह हमारे चले गए हैं जी, और ये साथ साथ इधर अपने यूनिवर्सिटी की भी तैयारी कर रही है जी, आज मशीन भी लगाई हुई थी, कपड़े वगैरह भी धोए थे,
और ये अपना कोट सुखा रही है जी, इस्त्री कर रही है जी। देखा एरोप्लेन की शक्ल की जो मैं ले आई थी ना लाहौर से, आयरन हाँ जी स्टीम वाली, ये उससे कर रही है। अब देखो काम आ गया ना तेरा, कह रही थी मम्मा क्यों ले रही क्यों ले रही, अब देखो तेरे काम आ गई है। इसलिए ये चीज़ें ऐसे नहीं दुनिया में आई, किसी न किसी काम की किसी न किसी वजह के लिए आई हैं। हाँ जी, तो अब तू ये कर ले, मैं दूसरा काम कर लूँ जी। और ये ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करती, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है जी। मैं बड़ी एक्साइटेड हुई खड़ी हूँ, क्योंकि इतना बड़ा मेरे पास ये गिफ्ट किसी ने भेजा है जी। कहाँ से आया मुझे खुद भी नहीं पता, मैसेज उन्होंने किया था, कौन से मुल्क से आया, मेरा मतलब ये जिसने भेजा वो तो मुझे पता है जी। देखते हैं आप लोगों के सामने कि इसमें क्या है जी, क्या नहीं है। आप लोगों के सामने खोलते हैं, इसमें क्या है। बड़ी पैकिंग की हुई है जी, बहुत दूर से आया है जी। प्यार से खोलूं या जोर से खोलूं कोई समझ नहीं आ रहा जी। और कैसी छुरी छुरी ले आ है, वो इतनी धुंध में भेजा है, इतनी सर्दी में भेजा है, शायद सर्दियों के कपड़े ही ना हो या कोई जैकेट शैकटे जो होती हैं कोट शोट, ये उन्होंने बताया नहीं था जिन्होंने भेजा। उन्होंने कहा बस आपके लिए गिफ्ट है जी। क्या चीज़ है, क्योंकि ये सरप्राइज है, इसलिए मैं बहुत खुश हुई खड़ी, क्योंकि शुक्र है जी किसी ने हमें भी याद रखा है, किसी ने सानू गिफ्ट गाल दिया जी मेरे वास्ते। एक है कि वजह है ना, कोई टफ ही ना हो नहीं या जुराबा ही ना हो, देखते हैं है क्या। उन्होंने साबुन भेजा के नहा लो, बस करो। इतनी सर्दी में कौन नहाए जी, हम नहा लेते हैं। 100 साल कोले भेजे हैं, कोले। ओ वाह, क्या कोले है, ये कपड़े भेजे हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी जाने वाले के लिए। अच्छा अच्छा, तो तू अपना अपना मार लो, ये तेरी माँ वास्ते आया। तुझे कभी वीडियो आया नहीं हो इस वास्ते, उन्होंने इतने ज्यादा गली के शेम में पहले वीडियो पता तो है। ये बाइक मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो ये लग रहा है पता नहीं कपड़े हैं 2 पीस है या 3 पीस है। थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया, शुक्र है कोई मुझे भी याद करने वाला। लगता है आप लोगों का काम था यही कपड़े का, आप लोगों को पता ना कि बाजी का यही काम है, तो आपने भी मुझे कपड़े भेज दिए जी। चलो गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है जी, माशाल्लाह खूबसूरत है। अल्लाह पाक आपके कारोबार में और बरकत डाले जी। ये फ्रंट कमीज है, वाह, पेपर लोन है, गर्मियों का स्टाफ है। लगता है उधर आपको पता नहीं है कि पंजाब में कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। चलो गर्मियों का स्टाफ है पहनेंगे, तो इसके साथ साथ व्लॉग बनाएंगे। तो हमें आप लोग दुआ में याद रखना, और हम तो आपके लिए बहुत ढेरों सारी दुआएं करेंगे। ये नहीं कि आपने हमें गिफ्ट भेजा इसलिए कि इधर जी मैं वीडियो बनाने के चक्कर में सारे सूट मेरे गैब हो रहे हैं। ये देखें जी, उन्होंने कहा जी मेरी मम्मा मसरूफ है, तो इन्होंने अपने अपने पसंद करके उठा लिए, बैठ गई है। तो ये इधर मेरी बेटी आई, उसने भी उठा लिया जी। ये ठाफा गैंग हो रहे हैं जी, इससे पहले सारे चली जाए। आप लोगों से चाहती हूँ मैं इजाजत जी, अपना डेरो ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट मिनी सी व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।